संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा निकाय होता है जिस पर आवेश कैपिटल क्यू तथा माइनस क्यू होते हैं तथा जिनमें कुछ पृथक्कन होता है। इस विन्यास में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आरंभ में दो आवेशित चालकों एक तथा दो पर विचार कीजिए। अब चालक दो से चालक एक पर आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में स्थानांतरित करने की किसी प्रक्रिया की कल्पना कीजिए ताकि अंत में चालक एक पर क्यू आवेश आ जाए। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार अंत में चालक दो पर माइनस क्यू आवेश होता है। आवेश को दो से एक पर स्थानांतरित करने से बाह्य कार्य करना होता है। चूंकि हर चरण में चालक दो की तुलना में चालक एक अधिक विभव पर होता है, किए गए कुल कार्य का पलीकरण करने के लिए हम छोटे छोटे चरणों में आवेश की बहुत ही अल्प मात्रा dQ को स्थानांतरित करने में किए गए कार्य का पलीकरण करते हैं। उस मध्य स्थिति पर विचार कीजिए जिसमें चालक एक पर आवेश प्लस Q तथा चालक दो पर आवेश माइनस Q है। इस स्थिति में चालकों एक तथा दो के बीच विभवांतर V बराबर Q बटे C समीकरण एक होता है, जहां C निकाय की धारिता है। अतः चालक एक पर चालक दो से dQ आवेश ले जाने में किया गया कार्य बराबर dW बराबर V गुणित dQ समीकरण दो। dQ आवेश को चालक एक पर दो से लाने में किया गया कार्य dW बराबर V गुणित dQ, किंतु आप सभी जानते हैं V बराबर Q बटे C, इसलिए dW बराबर Q बटे C इंटू dQ। इसलिए चालक दो से चालक एक पर कुल आवेश Q ले जाने में किया गया कार्य dW बराबर Q बटे C इंटू dQ का समाकलन करेंगे जीरो से Q तक, किंतु इंटीग्रेशन dx बराबर x और इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx बराबर x टू दी पावर n प्लस 1 बट n प्लस 1 जब n बराबर नहीं है ऋण 1, तो dW का W हो जाएगा, 1 अपॉन C बाहर निकल जाएगा और इसका आ जाएगा Q की घात 2 बटे 2, घात 1 है तो इस सूत्र से 1 प्लस 1 2 हो जाएगा बटे 2 0 से Q, तो W बराबर 1 बटे 2 Q वर्ग बटे, तो ये किया गया कार्य होगा और यही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो 1 अपॉन 2 Q वर्ग बटे C ये संधारित्र की संचित ऊर्जा हो जाएगी, किंतु Q बराबर CV, इसलिए U बराबर 1 बटे 2 Q का मान रख दीजिए CV, तो हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बटे C, तो इसलिए U बराबर अगला सूत्र हो जाएगा 1 बटे 2 CV का वर्ग। ये संचित ऊर्जा के अलग अलग सूत्र हैं। चाहें तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 CV इंटू V, किंतु Q बराबर CV इसलिए U बराबर 1 बटे 2 Q इंटू V, तो ये संचित ऊर्जा के आपके पास तीन सूत्र हो जाते हैं, 1 बटे 2 Q वर्ग बटे C, 1 बटे 2 CV वर्ग और U बराबर 1 बटे 2 QV। हमें ये सूत्र आसानी से याद रहता है क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर आप सभी जानते हैं 1 बटे 2 एम भी वर्ग, उसी प्रकार से यहाँ पर एम की जगह धारिता हो जाता है और ये आपका विभव हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये हमारा यहाँ भी विभव है, सी हमारी धारिता है।
चूंकि स्थिर विद्युत बल संरक्षी है, यह कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कारण है कि स्थितिज ऊर्जा का अंतिम परिणाम समीकरण 5 U बराबर 1/2 Q गुणित V, जिस ढंग से संधारित्र का आवेश विन्यास निर्मित किया गया है उस ढंग पर निर्भर नहीं करता। जब कोई संधारित्र निरावेशित होता है तो उसमें संचित ऊर्जा मुक्त हो जाती है। संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र में संचित हुई स्थितिज ऊर्जा के रूप में समझना संभव है। इसे देखने के लिए सरलता की दृष्टि से किसी समानांतर पट्टिका जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो संचित ऊर्जा u बराबर 1/2 q वर्ग बटे c। अभी आपने देखा u बराबर 1/2 q वर्ग बटे c, किंतु आप सभी जानते हैं सिग्मा बराबर q बटे a, और समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए c बराबर एप्सिलॉन नॉट a बटे d। मान रखेंगे तो u बराबर 1/2 q का मान रखिए तो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए का स्क्वेयर, c का मान एप्सिलॉन नॉट a बटे d, तो ऊर्जा u बराबर 1/2 सिग्मा स्क्वेयर a स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट a इंटू d। तो u इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वेयर a इंटू d बटे एप्सिलॉन नॉट, a इंटू डी जो आपका बन जाता है आयतन बन जाता है। और आपने समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र पढ़ा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इस चीज को ध्यान में रखिए तो सिग्मा इक्वल टू आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वेयर E स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट a इंटू d। तो एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वेयर a इंटू d। a इंटू d मैंने आपको बताया प्लेटों के बीच का आयतन हो जाता है, और e विद्युत क्षेत्र हो गया दोनों प्लेटों के बीच। तो यदि अपने को प्रति इकाई आयतन का चाहिए तो प्रति इकाई आयतन की ऊर्जा संधारित्र की प्रति इकाई आयतन की संधारित्र की संचित ऊर्जा चाहिए। तो आपका स्मॉल u हो जाएगा और ये u बटे ad जिसका मान आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। ध्यान दीजिए a इंटू d दोनों पट्टिकाओं के बीच के क्षेत्र का आयतन है, इसी क्षेत्र में केवल विद्युत क्षेत्र होता है। यदि हम ऊर्जा घनत्व को प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा कहते हैं तो प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा बराबर विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, इसलिए स्मॉल u बराबर कैपिटल u ऊर्जा बटे आयतन। तो ऊर्जा हो गई हमारी u, आयतन हो गया a इंटू d, u का मान हमने अभी निकाला था 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर a इंटू d बटे ad, ad ad डिवाइड हो जाएगा, इसलिए u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू e का स्क्वायर। यद्यपि हमने यह समीकरण समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए निकाला है तथापि यह किसी भी आवेश विन्यास के कारण विद्युत क्षेत्र पर लागू होता है। आवेशों का पुनर्वितरण व उभयनिष्ठ विभव और आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉसेस इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। माना कि ए व बी दो पृथक चालक हैं जिनकी धारिता क्रमशः C1 व C2 है, विभव V1 व V2 तथा उन पर आवेश Q1 व Q2 हैं। तब Q1 बराबर C1 V1 समीकरण 1, Q2 बराबर C2 V2 समीकरण 2। अब यदि दोनों चालकों को
एक पतले सुचालक तार से जोड़ा जाए तो आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रभावित होगा जब तक कि उनका विभव एक समान वी न हो जाए, अर्थात आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है लेकिन कुल आवेश नियत रहता है। धारिता चालक ए की धारिता C1 जोड़ने के बाद आवेश Q1 डैश, जोड़ने के बाद विभव V, जोड़ने के बाद धारिता C2 आवेश Q2 डैश विभव V। ये देखिए पहला गोलाकार चालक है, जिसकी धारिता C1 आवेश Q1 विभव V1 है। दूसरा गोलाकार चालक B है, जिसका धारिता C2 आवेश Q2 विभव V2 है। इस पर भी धनावेश है, इस पर भी धनावेश है। इसे हम तो इसके आवेश Q1 का मान C1 V1 और दूसरे चालक B का आवेश Q2 बराबर C2 V2। अब आप इसको सुचालक तार से जोड़ते हैं, जैसे ही सुचालक तार से जोड़ेंगे आवेश का प्रभाव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। V1 बड़ा होगा तो V1 से V2, V2 बड़ा होगा तो V2 से V1, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। पर जोड़ने के बाद भी इसकी धारिता C1 रहेगी, पर आवेश का मान बदल जाएगा। वैसे जोड़ने के बाद इसकी धारिता C2 रहेगी, आवेश का मान बदल जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा। तो Q1 डैश क्या हो जाएगा, देखो Q1 डैश जोड़ने के बाद C1V और Q2 डैश हो जाएगा C2V। किंतु आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण का नियम, जोड़ने के पहले कुल आवेश जोड़ने के बाद कुल आवेश के बराबर होता है। तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q1 का मान C1V1, Q2 का मान C2V2 बराबर C1V प्लस C2V। तो C1V1 प्लस C2VT C1 प्लस C2V या C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 बराबर ही। तो ये परिणामी विभव का मान निकला। अब धारिता आवेश कितना हो जाएगा, देखो तीन को चार से भाग दें तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1V बटे C2V या Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे। तो आवेशों के पुनर्वितरण उनके धारिता के अनुपात में होता है। तो जब दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण धारिताओं के अनुपात में होगा और परिणामी विभव का मान V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 होगा। तो ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र हुआ और ये धारिताओं के अनुपात में आवेशों का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। जोड़ने के पूर्व ऊर्जा U1 प्लस U2, पहले की ऊर्जा, तो U बराबर U1 का मान एक बटे दो सी वन वी वन स्क्वेयर, यू टू का मान दूसरे चालक की ऊर्जा एक बटे दो सी टू वी टू का स्क्वेयर। जोड़ने के बाद ऊर्जा U डैश बराबर U1 डैश प्लस U2 डैश, तो U डैश U1 डैश का मान एक बटे दो सी वन वी स्क्वेयर एक बटे दो सी टू वी स्क्वेयर, U डैश इक्वल टू वन अपॉन टू सी वन प्लस सी टू वी स्क्वेयर। किंतु अभी आपने V का मान निकाला था C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस,
तो U डैश इक्वल टू 1/2 C1+C2 C1V1+C2V2 बटे C1+C2 का स्क्वायर। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो आपका U डैश इक्वल टू आ जाएगा 1/2 C1V1+C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1+C2 या 1/2 C1V1+C2V2 a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया a²+b²+2ab। अब ऊर्जा हानि चाहिए, ऊर्जा ह्रास, तो आपका हो जाएगा u माइनस u का मान आपके पास है 1/2 C1V1² 1/2 C2V2² माइनस 1/2 C1² V1² C2² V2² प्लस ट्वाइस C1V1 C2V2 अपॉन C1+C2। तो देखिए 1/2 कॉमन निकल जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा C1+C2, गुना कर दीजिए तो हो जाएगा C1² V1² प्लस C1C2V1² प्लस C1C2V2² प्लस C2² V2² माइनस C1² V1² माइनस C2² V2² माइनस ट्वाइस C1V1 C2V2। तो C1² V1² जीरो हो जाएगा माइनस होके, C2² V2² और C2² V2² माइनस होके जीरो हो जाएगा, और C1 C2 सब में आ रहा है तो 1/2 C1 × C2 V1² प्लस V2² माइनस ट्वाइस V1 V2 अपॉन C1+C2। तो ये ऊर्जा ह्रास का व्यंजक निकलता है। तो 1/2 C1 C2 अपॉन C1+C2 V1 − V2 का वर्ग। ऊर्जा ह्रास डेल्टा U बराबर U − U′ 1/2 C1 C2 अपॉन C1+C2 V1 − V2 का वर्ग। अब V1 बड़ा हो V2 से या V1 छोटा हो V2 से, चूंकि वर्ग है इसलिए V1 − V2 का वर्ग पॉजिटिव होगा, इसलिए डेल्टा U बराबर U − U′ भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब U > U′, मतलब जोड़ने के पहले ऊर्जा ज़्यादा होगी, जोड़ने के बाद ऊर्जा कम हो जाएगी। तो जब दो आवेशित चालकों को हम जोड़ते हैं तो आवेश का प्रभाव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और उसकी जो ऊर्जा है कुल ऊर्जा तो संरक्षित रहेगी, पर जो विद्युत ऊर्जा है कुछ चिंगारी के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, चट चट की आवाज़ होती है ध्वनि ऊर्जा के रूप में, और जिस सुचालक तार से जोड़ते हैं वह गर्म हो जाता है ऊष्मा ऊर्जा में, तो यह ऊर्जा जो है कुल ऊर्जा संरक्षित है, और जो ऊर्जा है वह ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। 1D ग्राफ जनरेटर। सन 1931 में प्रोफेसर R.J. वांडीग्राफ ने एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन अर्थात जनित्र का निर्माण किया जो 10 लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकती है। उन्हीं की याद में इसे वांडीग्राफ जनित्र कहते हैं। यह जनित्र एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। इसमें कई मीटर ऊंचा एक विद्युतरोधी स्तंभ है। इस स्तंभ पर एक विशाल गोलाकार चालक फूल जिसकी त्रिज्या कई मीटर होती है को संभाले रखते हैं। इसमें दो घिरनियां एक नीचे और एक ऊपर लगी होती है, जिनमें एक घिरनी खोल के केंद्र पर तथा दूसरी फर्श के पास
होती है। इन दोनों घिरनियों से होकर एक लंबा पतला बिना सिरे वाला विद्युतरोधी पदार्थ जैसे रबड़ अथवा रेशम का पट्टा गुजरता है। इस पट्टे को निचली घिरनी से जुड़े किसी मोटर द्वारा निरंतर घुमाया जाता है। यह पट्टा निरंतर ही उस आवेश को जो नीचे लगे ब्रश द्वारा पट्टे पर छिड़का जाता है। सिद्धांत, मान लीजिए हमारे पास आर त्रिज्या का एक बड़ा गोलीय चालक खोल है जिसे हमने कैपिटल क्यू आवेश दिया है। यह आवेश स्वयं गोले के समस्त पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र ठीक वैसा ही है जैसा कि गोले के केंद्र पर बिंदु आवेश क्यू के कारण होता है, जबकि गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। अतः गोले के बाहर बिंदु आवेश का विभव होता है तथा गोले के भीतर विभव स्थिर होता है, अर्थात विभव का मान त्रिज्या आर पर विभव के बराबर होता है। अतः आवेश Q वहन करने वाले आर त्रिज्या के गोलीय चालक खोल के भीतर विभव समान है जिसका मान V बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर है। अब जैसा कि संलग्न चित्र, हम यह मानते हैं कि किसी प्रकार से Q आवेश युक्त स्मॉल आर त्रिज्या का छोटा गोला बड़े गोले के भीतर उसके केंद्र पर रख देते हैं, तब स्पष्ट रूप से इस नए आवेश Q के कारण चित्र में दर्शाई गई त्रिज्याओं स्मॉल आर व कैपिटल आर पर विभव के निम्नमान होंगे। स्मॉल Q आवेश युक्त स्मॉल आर त्रिज्या के छोटे गोले के कारण विभव बराबर 1/4 pi epsilon naught Q बटे आर छोटे गोले के पृष्ठ पर तथा 1/4 pi epsilon naught Q बटे आर त्रिज्या आर के बड़े गोले पर। स्मॉल Q पर कैपिटल Q दोनों आवेशों को ध्यान में रखने पर कुल विभव V तथा विभवांतर के मान इस प्रकार प्राप्त होते हैं। कुल विभवांतर V बड़े गोले पर बराबर 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल Q बटे कैपिटल R। छोटे गोले पर 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q बटे R प्लस स्मॉल Q बटे R। इसलिए विभवांतर समीकरण 3 व 4 से कैपिटल V स्मॉल R माइनस कैपिटल V बड़े गोले का बराबर Q बटे 4 pi epsilon naught ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/R। अब यह मानिए कि Q धनात्मक है। हम यह जानते हैं कि चाहे बड़े गोल पर कितना भी आवेश संचित क्यों न हो जाए और यदि वह धनात्मक भी है तो भी भीतरी गोला सदैव उच्च विभव पर होता है। इसलिए Vr माइनस V कैपिटल R का अंतर सदैव धनात्मक होगा। Q के कारण विभव त्रिज्या R तक स्थिर रहता है, अतः वह अंतर करते समय निरस्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अब यदि हम छोटे अथवा बड़े गोले को तार से संयोजित करें तो तुरंत ही आवेश छोटे गोले से बड़े गोले में प्रभावित होगा। यद्यपि आवेश कैपिटल Q का परिमाण काफी अधिक है, धनावेश अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होता है। इस प्रकार बशर्ते हम किसी भी प्रकार से छोटे आवेशित गोले को बड़े गोले के भीतर रखने में सफल हो जाएं, हम इसी ढंग से बड़े गोले पर आवेश का अंबार लगाते रह सकते हैं। समीकरण 1 के अनुसार बाह्य गोले का विभव भी बढ़ता जाएगा और उसमें कम से कम उस समय तक तो वृद्धि होती ही रहेगी जब तक वायु के क्षेत्र को ध्वस्त करने की सीमा तक नहीं पहुंच जाते। यही वान डी ग्राफ के जनित्र का सिद्धांत है। आइए अब देखते हैं हम कार्यविधि। पट्टे
को निचली घिरनी से जुड़े किसी मोटर द्वारा निरंतर घुमाते हैं। यह पट्टा निरंतर ही उस आवेश को जो नीचे लगे ब्रश द्वारा पट्टे पर छिड़का जाता है, नीचे से ऊपर शीर्ष तक ले जाता रहता है। यहाँ हम अपने धन आवेश को बड़े खोल से संयोजित दूसरे चालक ब्रश को स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार धनावेश खोल पर स्थानांतरित होकर उसके समस्त बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इस प्रकार इस ढंग से 6 से लेकर 8 मिलियन वोल्ट तक की उच्च वोल्टता का अंतर भूमि के सापेक्ष बनाए रखा जा सकता है। उपयोग: उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, उच्च विभवांतर वोल्टता के फलस्वरूप प्राप्त विशाल विद्युत क्षेत्रों का उपयोग आवेशित कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयन को त्वरित करके उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने में। तीसरा, अत्यधिक उच्च ऊर्जा युक्त आवेशित कणों की आवश्यकता लघु स्तरीय द्रव्य की संरचना के परीक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयोगों में होती है। दोष: बड़ा आकार होने के कारण सामंजस्य में असुविधा, बड़ा आकार होने के कारण परिवहन में असुविधा, उच्च विभव के कारण यह खतरनाक होता है। मूल्यांकन के प्रश्न: संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन व समानांतर क्रम संयोजन की परिणामी धारिता के सूत्र लिखिए। प्रश्न दूसरा, समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिणामी धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों प्लेटों के बीच के पारितांक वाला पदार्थ है। सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि होती है। प्रश्न चौथा, वान डी ग्राफ जनित्र की बनावट सिद्धांत कार्यविधि वह उपयोग लिखिए।